अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज आप यहाँ पर नर्मदा के क्षेत्र में दौरे के लिए पहुँचे थे, जैसे आपके कार्यकर्ताओं और अन्य सूत्रों से जानकारी मिली है, तो उसका क्या कारण था? देखिए, नर्मदा युवा सेना और उसके पूरे कार्यकर्ता हमेशा माँ नर्मदा के संरक्षण में लगे रहते हैं, अवैध खनन को रोकने के प्रयासों में लगे रहते हैं। और आज भी टोल फ्री नंबर से बहुत सारे गाँवजनों से सूचना मिली। हमारे नर्मदा युवा सेना के कार्यकर्ता जब यहाँ पहुँचे तो चारों तरफ भगदड़ मच गई। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये बालू है। अभी आपको कई जगह में दिखाता हूँ किस तरीके से टेम्परेरी गेट बना दिए गए हैं। आपको लगेगा नॉर्मल होंगे, ये रास्ता बंद है। जब हमारे कार्यकर्ता पहुँचे थे सब कुछ खुला हुआ था, पर उनके आने से जिस तरीके से भगदड़ मची और यहाँ से लोग गायब हुए हैं, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। पिछले एक दशक से नर्मदा युवा सेना इन कार्यों में लगी है और आप देख रहे हैं। और आज शाम को भी हम लोग यहाँ पर है, नेमावर के कई घाटों पर हम लोग पहुँचे हैं और हर जगह अवैध खनन चल रहा है। सरकार को और ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा और इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। कुछ समय पूर्व यह जानकारी भी प्राप्त हुई थी कि आपको जान से मारने की धमकी मिली है, तो उसको आप, उसके बावजूद आपकी टीम यहाँ पे कार्य कर रही है, आप पहुँचे हैं, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। कहीं किसी इन गीदड़ भक्तियों से ना मैं डरने वाला हूँ, ना नर्मदा युवा सेना का एक भी कार्यकर्ता या सैनिक। किसी के आंखों में डर दिख रहा है कि आपको डर में दिख रहा है? डर तो उनकी गीदड़ भक्तियों में दिख रहा है। और इसी तरीके से एक दशक से हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए, हमने ये भाजपा सरकार ने भी माना है, कांग्रेस की सरकार थी उसने भी माना है, प्रशासन ने भी माना है कि नर्मदा युवा सेना ने बहुत हद तक इस अवैध खनन को रोका है। अवैध माफियाओं पर जो खौफ का माहौल आज डेवलप हुआ है, वो नर्मदा युवा सेना की वजह से हुआ है। तो नर्मदा युवा सेना ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है। हम रोज, आज भी आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा एक कार्य है और इस संघर्ष पथ पे हम लगे रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है, अपनी मां नर्मदा को, अपने प्रदेश को बचाना और उनके लिए हितकार करना। अभी देखा जाता है कि आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कि आप जो ये कार्रवाई करते हैं या आपका जो संगठन कार्य करता है, उससे आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होता है? बिल्कुल गलत बात है। पिछले एक दशक से नर्मदा युवा सेना हर तरीके से काम कर रही है, हर पहलुओं पे काम कर रही है। अवैध खनन को रोकती है, पर्यावरण संरक्षण पे काम करती है, समाज के जो भी मुद्दे हैं वो उठाती है। जब विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है, तब नर्मदा युवा सेना निभाती है। पर क्या आपने आज तक देखा है किसी भी नर्मदा युवा सेना के एक भी पदाधिकारी, एक भी कार्यकर्ता को हाईलाइट होते हुए, किसी मंच पर होते हुए, किसी भी तरीके का राजनीतिक लाभ लेते हुए? कभी भी ऐसा नहीं होता है। हम लोग कार्य कर रहे हैं अपने, हमारा कोई भी पर्सनल एजेंडा नहीं है, कोई पर्सनल लाभ नहीं है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल का, ना किसी भी पदाधिकारी का, ना किसी भी कार्यकर्ता का। एक दशक में आज तक आप एक ऐसा इंसिडेंट उठा के ले आइए तो फिर मैं आपको मान जाऊंगा। तो नर्मदा युवा सेना इसी तरीके से लगी रहेगी और अंधेरे लाख आएंगे, मैं मंजिलों में अंधेरा लाख आएगा, मैं गुजर जाऊंगा, और हम लोग रुक जाएंगे तो डर जाएंगे। तो हमें डरना नहीं है, डरना उन अवैध खनन वालों को है, उन अपराधियों को है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में जिस तरीके का डर का माहौल सिर्फ नर्मदा युवा सेना के नाम से होता है, उतना डर तो अवैध खनन के जो माफिया हैं उनको सरकार का नहीं है, उनको प्रशासन का नहीं है।